हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड एसएससी। तो देखो, ये आज का जो हमारा वीडियो है उन सारे एस्पायरेंट के लिए है जो एसएससी स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये एक्चुअली आपके लिए लास्ट टाइम रिमाइंडर है, ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर को ही होने वाला है, ठीक है। फिर भी फॉर्म फिलअप तो स्टार्ट तो 10 अक्टूबर को ही हो गया था, फिर भी अभी बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे इसके बारे में, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपके बारे में बता दूं और एक लास्ट टाइम रिमाइंडर भी आपको मिल जाएगा ताकि मुझे फॉर्म फिलअप करना है। और देखो, अगर आप इस फॉर्म फिलअप के बारे में जानते ही नहीं हो, ठीक है, कि ऐसा कुछ फॉर्म निकला है, तो थोड़ा मैं उसको भी डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। जो जानते हैं वो फटाफट अपना फॉर्म फिलअप कर ले, जो नहीं जानते तो उसके लिए मैं बता दूं कि एसएससी ने जो है एक स्टेनोग्राफर का एक पोस्ट निकाला है और ये जो है वो इसके लिए जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 12th पास है। मतलब कोई भी कैंडिडेट जिसके पास अगर वो हायर सेकेंडरी पास किया है, 12th पास किया है, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सैलरी भी है वो भी बहुत ही अच्छा है। आप देखोगे अराउंड 40,000 to 60,000 प्लस इसमें प्रमोशन का चांसेस भी बहुत ही अच्छा होता है। 3-4 साल अगर आप वर्क करने के बाद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आप स्टेनोग्राफर के लिए आपका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देखो, इसका अगर हम लोग बात करें कि एप्लीकेशन का लास्ट डेट 4 नवंबर ही है, तो इसलिए फटाफट अगर आपने नहीं फिलअप किया है तो कर लो। एज लिमिट देखो, यहाँ पे एज लिमिट का बात कर लेते हैं, तो ये 2 पोस्ट के लिए इन्होंने ये वैकेंसी निकाली थी, एक ग्रुप सी के लिए और एक ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप सी वालों का जो पोस्ट एज लिमिट है वो 18 ईयर टू 30 ईयर है, ठीक है। और अगर ग्रुप डी वाले का बात करें तो 18 ईयर टू 27 ईयर है। और ये जो डेट का कैलकुलेशन ये लोग करेंगे वो 1/8/2020 के हिसाब से करेंगे, ठीक है। और एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बता दिया 12 पास ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो फीस भी है वो भी बहुत ही कम रखा गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज का फीस है, और अगर आप SC ST PWD ऐसे कोई कैटेगरी में बिलोंग करते हो या फिर गर्ल्स के लिए, इन गर्ल्स के लिए तो ये फॉर्म फ्री ही है, ठीक है। तो आप लोगों को तो फिलअप करना ही चाहिए अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। तो उसके बाद थोड़ा सा अब हम लोग एग्जाम का पैटर्न के बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। और एक यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न है क्या है, इसमें 3 सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे। रीजनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए होगा। जनरल अवेयरनेस जो होगा वो आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए होगा। और इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और एक बहुत ही अच्छी बात है, जो लोग मैथ्स से डरते हैं यहाँ पे मैथ्स का पेपर नहीं होता है, ठीक है। तो जिनको मैथ्स टफ लगता है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, चांसेस बहुत ही अच्छा होता है। और इसके लिए जो टाइम भी दिया जाता है वो 2 आवर्स दिया जाता है। मतलब 2 आवर्स में आपको क्या करना है, 200 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मैथ्स तो है नहीं, मैथ्स मेनली कैलकुलेशन कहाँ पे लगता है, मैथ्स वाले पार्ट में भी लगता है। तो इसलिए टाइम बहुत अच्छा है आपके पास, ठीक है। तो इसको इसमें आप अच्छा से स्कोर कर सकते हो। देखो, इन्होंने एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि टायर वन में जो है जो जनरल कैंडिडेट 30%, ओबीसी 25%, SC ST के लिए 20% क्वालिफाइंग होता है, लेकिन कट ऑफ ज्यादा जाता है। आप ऐसा बिलीव करके नहीं रखोगे कि 30% आएगा तो ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है क्योंकि कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और सैलरी भी बहुत ही अच्छी है, पोस्ट भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए ऑब्वियसली थोड़ा कॉम्पिटिशन होगा। और देखो, इसमें एक चीज और क्या इंपॉर्टेंट है, टायर वन क्लियर करने के बाद आपको स्किल टेस्ट लिया जाता है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्किल टेस्ट में एक्चुअली क्या किया जाएगा कि आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा एक शॉर्ट हैंड का रिक्वायरमेंट होता है, आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। खैर, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप शॉर्ट हैंड आराम से 2 से 2.5 महीने में सीख सकते हो। और एग्जाम जो इसका जो एग्जाम होगा वो आपका नेक्स्ट ईयर मार्च में होगा, 29 मार्च और 31 मार्च को इसका डेट दिया गया। मतलब अभी भी 5 महीने आपके पास, ठीक है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप शॉर्ट हैंड भी सीख सकते हो। तो मैं बता रहा था कि आपको इसमें स्किल टेस्ट में क्या होगा, तो ग्रुप डी वाले पोस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा जिसमें आपको शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड पर मिनट आपको टाइप मतलब लिखना है उसको। उसके बाद उसको टाइप भी करना पड़ेगा। तो अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तो 50 मिनट आपको दिया जाएगा और हिंदी के लिए आपको 65 मिनट दिया जाएगा। वही अगर हम लोग ग्रेड सी का बात करें तो जो ऑडियो क्लिप होगा वो आपको उसमें जो सुनाया जाएगा उसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखना है। अगर आप इंग्लिश में उसको टाइप करोगे तो 40 और हिंदी में टाइप करोगे तो 55, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि आप हिंदी में टाइप करो या इंग्लिश में टाइप करो, आपको दोनों ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप काम कर रहे होगे तो क्या होगा, हिंदी भी टाइपिंग करना पड़ेगा आपको और इंग्लिश भी टाइपिंग करना पड़ेगा। तो खैर, ये टाइपिंग के लिए आपके पास टाइम है, आप सीख सकते हो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, ठीक है। गर्ल्स तो जरूर ही अप्लाई करें, एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो लोग सोचते हैं कि मेरा मैथ्स वीक है, उनको अगर एक अच्छा जॉब चाहिए तो वो लोग स्टेनोग्राफर के लिए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है, पोस्टिंग बहुत ही अच्छी है, प्रमोशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये था एक लास्ट टाइम
आपको एक मैंने वार्निंग की तरह दे दिया है कि आप इसको अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लो। और देखो इस टाइप का जो भी नोटिफिकेशन आता है हमारे, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी एग्जाम का फॉर्म आएगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जो एग्जाम के लास्ट टाइम के पहले एक आपको रिमाइंडर भी दे देंगे, ताकि क्या हो कि अगर आप भूल गए हो फॉर्म फिलअप करना तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो आप उस क्वेरीज को पूछ सकते हो, कमेंट करके बोलना, हम लोग उसके ऊपर वीडियो बना देंगे या फिर कमेंट करके आपका डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय लर्निंग।